विदाउट सेकेंड। वही आत्मा, वही परमात्मा, वही जीवात्मा। बहुत सुंदर उदाहरण देके गुरु जी समझाते थे, पानी चाहे तुम्हारे किचन के नल से आ रहा है, चाहे बाथरूम के नल से आ रहा है, चाहे सागर का जल है, नदी का जल है, कुएं तालाब का जल है, या नाली नाले का जल है, अगर आप उसका साइंटिफिक तत्व चेक करेंगे तो H2O होता है। ये बात अलग है कि जिस जगह का वो जल होता है इस्तेमाल वहां पर अलग अलग कार्यों के लिए वैसा होता है। आप रसोई के जल से खाना बनाएंगे, बाथरूम के जल से आप कपड़े धोएंगे, नहाएंगे, समुद्र में जाकर लहरों का झूमना देखते हैं, उसमें कभी कभी भीग भी जाते हैं, पर सागर के पानी को पीते नहीं। और अगर उसमें आप लहरों में भीग कर भी आए तो घर में आके जब तक साफ जल से नहीं नहाते हो तो वो रेत और वो नमक कपड़ों से चिपके रहते। तो सागर में जल तो है और जल का तत्व भी सबका एक है, पर वो पीने के काम नहीं है। कुएं का, नदी का पानी पीने का काम के काम है, और नाली का पानी उसमें कचरा है, गंदगी। तो नाली नाला जिसमें गंदगी है, जीव में, जीव हर बात में अपने आप को कर्ता और फल का भोगता मानता है। मैं ये भोग रहा हूं, मैंने ये सब देखे हैं, पर जो यहाँ पर शब्द आया उपद्रष्टा अनुमंता, तुम अपने भीतर में उठने वाले हर फुरने को जानते हो। जब गुरु जी से कभी कोई कहता था पता नहीं कैसे हो गया, भगवान हमें नहीं पता, वो कहते थे हमसे झूठ नहीं बोलो, तुम्हें सब पता है। गॉड मे फॉरगिव यू बट योर नर्वस सिस्टम नेवर डस। वही शक्ति अगर इसको जीवात्मा कहे, मन कहे, तो ये मन भी जग से चाहे भाग ले प्राणी, पर मन से भाग ना पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। हर व्यक्ति अपने अंदर की कुरूपता, अपने भीतर की खामियों को जानता है, भले बाहर से कोई ना जाने, तो ये सच्चाई को जानने वाला भी है। अपने भीतर रात्रि में गहन अंधकार है, खिड़की दरवाजे पर्दे सब पड़े हैं, बंद है, कोई लाइट नहीं है, पर किस प्रकाश में तुम स्वप्न देख रहे हो? आंखें तो बंद हैं, चादर ओढ़ के लेटे हो, पर कौन है जो स्वप्न का दृष्टा है? कौन है जो हर एक बात को जान रहा है? ये दृष्टा, ये शक्ति उसी की है। तो उसी शक्ति को जल तो जल है, कहीं सागर का जल है, कहीं नदी का जल है, कहीं नाले का जल है। अब सागर के जल में स्टीमर चलता है, बहुत बड़े बड़े उसमें वो कार्य हो रहे हैं, सब सूर्य उसके जल को सोख रहा है, बड़े बड़े स्टीमर चल रहे हैं, पर नदी में नहीं, नदी में नावें चल रही हैं, और नालियों में और नालों में सरोवर में बच्चों की कागज की नावें तैर रही। सबकी सामर्थ्य अलग अलग है। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। है एक ही शक्ति, उसी शक्ति को किस किस रूप से डिफाइन किया है भगवान, तो उलझने की जरूरत नहीं है। जन्म मरण के चक्कर में कौन आता है? स्थूल शरीर तो आपका यहीं जल के राख हो जाता है, अस्थियां परवान करके आते हैं नदी में। अंत समय की वासना,
अंतमति साई गति। उसको चाहे सूक्ष्म शरीर कहो, गीता में जीवात्मा शब्द आया है कि जैसे वायु बाग बगीचे से होके गुजरती है, सुगंध कहलाती है, कूड़े करकट के स्थान से होके गुजरती है, दुर्गंध कहलाती है, ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा जैसी अंत समय की भावना होती है, वासना होती है, वैसा वैसा ये जन्म मरण, वैसी वैसी योनियों में ये जाती है। ज्ञानी के लिए बोला गया, ज्ञानी को क्या रोइये जो ग्रह अपने जाए, पर रोइये साकत वापरे जो हाथों हाथ बिकाए। ज्ञानी भगवान से मिलकर एक हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। कबीर ने बोला, जिस मरने ते जग डरे सो मेरो मन आनंद, क्योंकि मरने ते ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। जैसे ही देह का त्याग हुआ तो आत्मा परमात्मा में मिल गई, और वर्तमान अवस्था में भी वो भगवान को प्रकट करके बैठा है, प्रभु तू है मैं नहीं, अब हरि तू है मैं नहीं, क्योंकि जब तक मैं था तो तू नहीं था। मेरी मैं जिंदा थी, मैं एक अपनी आइडेंटिटी क्या बता रहा था, अपनी फिजिकल बॉडी को, मैं लड़की, मैं लड़का, मैं मिस्टर, मैं मिस, मैं मिसेस। पर दादाजी ने बोला, यू आर मिस्ट्री, यू डोंट नो इट, तुम एक रहस्य हो, पहेली हो, वो पहेली आके गुरु पूछता है, बुझाता है, बताता है, खोलता है। ये देह नहीं तेरी आत्मा, तू तो सचित आनंद रूप है, और इसी ज्ञान को लेने के लिए मनुष्य तन हमें मिला है। जान कर जियो, जाग कर जियो, अनजान बन के रहना भी किस काम का। तो ये ज्ञान के मार्ग से हमको अपने स्वरूप की पहचान मिलती है, भक्ति के मार्ग से हमें भगवान की महिमा का पता चलता है, उसके विश्वास में भक्त सब कुछ उसको छोड़ के, उसके सहारे छोड़ के कितना निश्चिंत रहता है। फिर ऐसे भक्त का, समर्पित भक्त का योग क्षेम का भार भगवान खुद वहन करते हैं। और कर्म योगी सब कर्म करता हुआ भगवान को अर्पण करके खुद अकर्ता भाव में रहता है। तो ज्ञान में तीनों का ही समन्वय, ज्ञान को समझो, जीवन भक्ति में जियो, कर्म सारे परमात्मा को अर्पण करोगे, तो जहां किसी भी कर्म के कर्ता अपने आप को नहीं मानोगे तो फल का भोगता भी नहीं मानोगे। बाकी तो करण करावा नापे आप, मानुष के कछु नाई हाथ। मानुष यतन करत बहुमान, किसके कर्तव्य सब वृथा जात। बहुत कोशिश करता है, पर कैसे समय से जब दोनों सुइयां छोटी और बड़ी आपस में मिलती है तभी 12 बजते। तुम्हारा कोई भी लौकिक कार्य जब निराकार साकार, वो नियति, वो घड़ी, वो समय, वो हुकुम, जब सबका संजोग होता है तब वो बात जाके बनती है। तुम जबरदस्ती अपने हाघड़ी में 12 बजा लोगे तो 12 बजा हुआ माना नहीं जाएगा, वो तो जब बजेगा तभी बजेगा। तो ज्ञानी सब कुछ भगवान के ऊपर सौंप के उद्यम करता है धीरज के साथ, क्योंकि अधीरस्ता में काम बिगड़ते बहुत है, पर धीरज के साथ किया गया काम उसके परिणाम अच्छे होते। सोच के, समझ के, सुन के सबकी, हर एक के मुख से भगवान बोलता है। अपनी बात को भी हम कहीं समझा सके, सबके पास ये गुर नहीं होता है, पर कोई कोई अपनी बात को सही तरीके से समझा सकता है।
तो आज ज्ञान से जैसे जैसे आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर चीज आपको सही समझ में आएगी। गुरु जी कहते थे ज्ञान सुनाओ, किसी को मन बुद्धि के दांत नहीं लगाने पड़े। और हम लोग देखते थे जब वो बताते थे, एक एक बात जैसे अंदर में उतरती चली जाती। नहीं तो गीता अगर आप अपने आप पढ़ो तो उलझ जाओ, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, और कैसे गुरु बोल के बता देता है कि कहीं पर भी कुछ भी बनोगे, चाहे जीव या ब्रह्म, तो बनना ही तो है ज्ञान बड़ा। जहां बनने का कुछ काम ना हो, वहीं पर समाया राज बड़ा। तो ये आत्मदेव कैसे उपदृष्टा भी है, तुम्हारा साक्षी दृष्टा अनुमंता धारण करने से भरता, और जीव जब वो बन जाता है, वही शक्ति जब अपने आप को जीव मानने लग जाती है, तो फिर सुखी दुखी होता है, तो वो भोक्ता भी बन जाता है। जो अपने में नहीं मानता है तो वो नहीं बंधन में आता है। जो मानता है, मैं करता है, तोता जैसे ही तय बोलता है वैसे शिकारी जान जाता है ये है इसका शिकार करो। तो हमारी मैं हमें मात भी देती है, हमें मार भी देती है, हमें बंधन भी देती है। इसलिए बोला मैं ना कर बावरे झूठी तेरी आश, तू भी चलता देख नजारा बाकी सारा छोड़ दे। फिर कैसे सच्चिदानंद घर स्वरूप होने से परमात्मा है, जिस घड़ी तुम्हारा चित्त सत्य का चिंतन करता है, सत्य को धारण करता है, तो आनंद रस में झूमता है। शरीर कभी सुखी है कभी दुखी है, पर आत्म तत्व को बोला गया है, परमात्म तत्व को बोला गया है सच्चिदानंद घन स्वरूप। सत्य चित आनंद रूप है, जरा जीव बिचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तो सत्य चित आनंद रूप है। घट घट का दृष्टा घट घट में जैसे जगत में है सबसे न्यारा, घट घट का दृष्टा घट घट में जैसे जगत में है सबसे न्यारा, तीन देह का दृष्टा तू है, तीन देह से भी न्यारा, तीन देह का दृष्टा तू है, तीन देह से है न्यारा, तू तो साक्षी चेतन ब्रह्म रूप है, तू तो अजर अमर विभु रूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित आनंद रूप है, जरा जीव बिचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तो सत्य चित आनंद रूप है। घट उपाधि से
महाकाश जो कट आकाश है कहलाता, घट उपाधि से महाकाश जो घट आकाश है कहलाता, अंतःकरण उपाधि से ही ब्रह्म जीव है कहलाता, अंतःकरण उपाधि से ही ब्रह्म जीव है कहलाता, तजते है उपाधि ब्रह्म रूप है, जैसे बिंदु भी तो सिंधु का ही रूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सचित आनंद रूप है, जरा जीव विचारो मन में तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सचित आनंद रूप है, हस्ति भांति प्रिय नाम रूप ये पांच अक्ष जग में दिखते, हस्ति भांति प्रिय नाम रूप ये पांच अक्ष जग में दिखते, इनमें तीन ये ब्रह्म रूप है, जगत रूप तो है बचते, इनमें तीन ये ब्रह्म रूप है, जगत रूप तो है बचते, नाम रूप सब जगत का ही रूप है, तू तो हस्ती भांति प्रिय रूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सचित आनंद रूप है, जरा जीव विचारो मन में तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सचित आनंद रूप है, लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन माने, राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन माने, राजेश्वर तू मोहन श्यामे अपने को दुखिया जाने, राजेश्वर तू मोहन श्यामे अपने को दुखिया माने, तू तो जगत के भी जगत का भूप है, अज्ञान से भरा भव खूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सचित आनंद रूप है, जरा जीव विचारो मन में तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सचित आनंद रूप है, तू तो सचित आनंद रूप है, सभी को राम राम सा हरिओम तत्सत।